हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी एडिशन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पोंडुचेरी वुमेन्स T20 की फाइनल मैच की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर एंजल्स वुमन वर्सेस प्रिंसेस वुमन के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट हम लोग इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर करेंगे। इसके साथ साथ जैसे आपको और भी कई सारी टूर्नामेंट्स के वीडियोज मिलेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं रवांडा वुमन T20, इनके साथ साथ आज के दिन में हम लोग यहाँ पर शेर पंजाब T20 कवर करेंगे। इसके साथ और भी कई सारी टूर्नामेंट्स के वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगे। तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल लिंक जो भी रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप लोग को उसी लिंक से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बात करते हैं इस मैच की। तो ये मैच सुबह में 9:30 पर क्रिकेट एसोसिएशन पुडुचेरी ग्राउंड 3 पुडुचेरी में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट यहाँ पर न्यूट्रल और बैलेंस है। रन्स के मामले में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ज़्यादा रन्स बनते नहीं हैं, 100-130 रन के आसपास स्कोर बनता है, इवन कई बार तो अंडर 100 भी बन जाते हैं। चेजिंग रिकॉर्ड में अभी तक के आंकड़े इक्वली है, लेकिन टीम टॉस जीतकर कई बार यहाँ पर ज़्यादातर देखा गया कि टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद किया है। देख लेते हैं, वो तो टीम के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आई थिंक यहाँ पर टीम टॉस की तो पहले जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एंजल वुमन की। तो एंजल ने यहाँ पर 6 मैच खेले, जहाँ से 4 मैच वो जीती है, 2 मैच वो हारी है। ओपनिंग में देखो, लास्ट मैच के अंदर इन्होंने 2 बड़े बदलाव किए, निशा सीतारमन और लिखिता विजी को ओपनिंग भेजा गया, जो कि इससे पहले पूरी टूर्नामेंट के नीचे खेले थे। हालांकि लिखिता विजी की बात करूँ तो इन्होंने शुरुआत यहाँ पर टॉप में बैटिंग करते हुए की थी, मतलब ओपनिंग करते हुए की थी, इसके बाद इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे रहा और लास्ट मैच के अंदर वापस एक बार ऊपर से खेली। अभी देखो, लिखिता विजी का क्या है ना कि ये टॉप में जब भी खेलती है तब यहाँ पर 15-20 रन आपको बना के देती है, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर अगली मैच के अंदर भी ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा कहना तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखिता विजय आई थिंक ओपनिंग करवानी चाहिए, बाकी निशात सीतारमन तो ओके रहेंगी। रिस्क लेना चाहो तो आप लोग यहाँ पर लिखिता विजय के ऊपर ले सकते हैं। शिल्पा शाहू एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी, रिसेंटली जबरदस्त फॉर्म में, बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही से। इसके अलावा यहाँ से रोहिणी मने भी आपके लिए एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी, ये भी यहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही से अच्छी फॉर्म में। हालांकि लास्ट मैच के अंदर 4th नंबर पर बैटिंग की, इसके पहले इन्होंने 3 मैच के अंदर ओपनिंग किया और इसके पहले यहाँ पर 5वें 6वें नंबर पर खेलती थी। हो सकता है अगली मैच के अंदर वापस इनको टॉप में भेजा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ से सोनल पाटिल भी कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस और पायल बाल्मीकि है। देखो यहाँ से चार जो प्लेयर है ना, यहाँ पर शिल्पा शाहू, रोहिणी मने, सोनल पाटिल और पायल बाल्मीकि, चारों के चारों इंपॉर्टेंस प्लेयर हैं, लेके जो जाना है इवन कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेगी। इसमें चारों में मैं खुद कंफ्यूज हूँ, लेकिन सेफ चॉइस की बात करूँ तो शिल्पा शाहू सेफ रहेगी, सोनल पाटिल सेफ रहेगी। रिस्क आपको यहाँ पर पायल बाल्मीकि और रोहिणी मने के ऊपर लेना है। देखो, ज़्यादातर पब्लिक यहाँ पर पायल बाल्मीकि को कैप्टन करना अनिवार्य नहीं समझेगी, बहुत मतलब इनका सिलेक्शन बहुत कम होगा कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए, लेकिन ये जो ये ना तगड़ी मारता है, मतलब तगड़ा मारती है। यहाँ पर लास्ट मैच के इनका बैटिंग काफ़ी नीचे रहा, पर इनका मेन रीज़न था कि लास्ट मैच लगभग इनका वन साइडेड हो गया था, उसी के कारण से इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा यहाँ पर नीचे रहा था। लेकिन ये जब भी मैच फंसते हैं ना यहाँ पर, जो कि हमने पहली मैच के अंदर देखा था, तो वहाँ पर उनको टॉप में भेजा जाता है, क्योंकि काफ़ी तगड़ा मारती है और कुछ अच्छे शॉट लगाती है, जैसे दिलस्कूप शॉट हो गया, और एक बार यहाँ पर वो शॉट खेलते हुए मैंने देखा था, प्लस यहाँ पर काफ़ी टेक्निकल प्लेयर थे। तो मुझे पर्सनली ये प्लेयर काफ़ी पसंद आई, इनकी बैटिंग स्टाइल काफ़ी पसंद आई, लेकिन लास्ट मैच के अंदर हमने इनको कैप्टन किया था और हमारा लगभग बुरा हाल हुआ था, मतलब लास्ट मैच हमारी अच्छी नहीं गई इतनी अच्छी, और वो था हमारा मेन रीज़न कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस। तो देखो, जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्की खेलेंगे वो पायल बाल्मीकि को कैप्टन करेंगे, बहुत ज़्यादा रिस्की खेलेंगे, जो लोग सेफ जा रहे हैं यहाँ पर शिल्पा शाहू को कैप्टन करेंगे, बाकी वाइस कैप्टनशिप के लिए भी यहाँ पर इन चारों के ऑप्शन में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो अर्थिका वेलमुर्गन जी, दिशा एस, जॉन स्टेफनी, एलुमलाई, पूजा सरवणन, इन सारे प्लेयर्स को लेके जाने का लगभग कोई मतलब बनता नहीं है, काफ़ी रिस्की रहेंगी। सरवणन तो जो कि लास्ट मैच नहीं खेली थी, लेकिन अगर खेलती है तो भी इतना कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं देंगी। यहाँ से आप लोग चाहो तो एलुमलाई को ट्राई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगी और इनका कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं,
वो अपना जो या से वो कैचिंग से स्टंपिंग से पॉइंट्स देगी वही, बाकी सामने वाली टीम का भी यहाँ पर विकेट कीपर तो काफ़ी नीचे ही खेलता है। तो चाहो तो यहाँ पर एलू मलाई है, बाकी यहाँ पर धन्य भी जो कई बार यहाँ पर एक दो ओवर्स की गेंदबाजी करवा लेती है ओके ओके रहेंगी, बाकी गोकुल नंदिनी मुरुगेशन ओके ओके रहेंगी, हालांकि ये डेथ होस्ट में आती है, लास्ट मैच के अंदर डेथ होस्ट में आई थी, हालांकि इनके लिए भी कुछ करने के लिए कुछ बचा नहीं था। स्टार्टिंग में यहाँ पर आर मने दीवी और डेथ होस्ट में यहाँ पर शिल्पा शाहू और गोकुल नंदिनी मुरुगेशन डेथ में डालेंगे। इनके अलावा बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे आपको, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। बात करें हम लोग यहाँ पर प्रिंसेस वुमन की, जो कि 6 में से 3 मैच जीती है, 3 मैच हारी है। ओपनिंग में यहाँ पर सुष्मिता राजा के साथ यहाँ पर बीबीवी निहारिका ने ओपनिंग करवाया। सुष्मिता राजा ओके ओके रहेंगी, इनको आप लोग जीएल में ट्राई करोगे, कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं। हालांकि लास्ट मैच के इनको ओपनिंग में भेजा गया लेकिन इसके पहले इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे था। हालांकि इस टूर्नामेंट के अंदर तो इनकी बैटिंग भी आई है, बाकी पिछली टूर्नामेंट के अंदर वो पूरी टूर्नामेंट खेली थी लेकिन इनकी बैटिंग नहीं आई थी। निहारिका के ऊपर रिस्क ले सकते हो, इन्होंने शुरुआत 45 रन से की थी। और सयाली अनिल लोंकर मेरे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी। इनके अलावा ऐसे कविशा एलो एलाया पेरुमल सी, जो कि यहाँ पर एज अ प्लेयर हमें लेके जाना है, जो लोग रिस्की खेलते हैं यहाँ पर जीएल में इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। शिवी पांडे जो कि लास्ट मैच के अंदर 5 रन किए, इसके पहले 2 मैच के अंदर 52 और 45 जैसे बड़े स्कोर किए, मतलब ये दोनों ही मैच के अंदर हमारी टीम का हिस्सा नहीं थे, वहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। जैसे हमने हमारी टीम के अंदर इनको लिया और इनका परफॉर्मेंस गया, तो मतलब हमारा और इनका 36 का आंकड़ा है। आप लोग चाहो तो इनको ले सकते हैं, चाहो तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं। रामामूर्ति वेरी इंपॉर्टेंट पिक, डेफिनेटली लेके जाना है। इनके अलावा ऐसे रेबिका अरुल की बात करें तो इन्होंने लास्ट मैच के अंदर 18 रन किए, वैसे ये बैटिंग ठीक ठाक करवा लेती है लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे रहता है और ओवर्स करवा रही है पूरी लेकिन विकेट नहीं मिल रही है। तो जो लोग जीएल में ट्राई करना चाहो कर सकते हो, स्मॉल लीग के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। साइनी लिंसी ने लास्ट मैच के अंदर 5 रन किए थे, विकेट कीपर बल्लेबाज है, तो इस प्लेयर को आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हैं क्योंकि सामने वाली विकेट कीपर की तो बैटिंग आनी भी मुश्किल है। इनका तो फिर भी यहाँ पर 5 रन बना लेते, हालांकि कैचिंग सिस्टम पिंग से कौन ज़्यादा पॉइंट्स दे रहा है वो यहाँ से इंपॉर्टेंस रहेगा बैटिंग से ज़्यादा। सरली रानी बाबूराज भी ओके ओके रहेंगी, जेल में ट्राई करोगे। हैना श्री ओके ओके, यहाँ पर उमा महेश्वरी को रिस्की तौर पर ट्राई करोगे भाई, यहाँ पर 3 विकेट निकाली थी उन्होंने, ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हैं। बाकी यहाँ से बात करें शिवशंकर ही रामास्वामी ओके ओके रहेंगे। देखो यहाँ पर पूरी टूर्नामेंट के अंदर बैटिंग नहीं आई है, पिछली टूर्नामेंट के अंदर भी कुछ ऐसा ही था, इनका पूरी टूर्नामेंट के अंदर बैटिंग नहीं आई थी। स्टार्टिंग में यहाँ पर अभिराम आरआर के साथ यहाँ पर सयाली अनिल लोंगर, डेथ होस्ट में यहाँ पर आर अरुल के साथ यहाँ पर कविशिया एलाया पेरुमल सी डेथ होस्ट में आया था। हालांकि लास्ट मैच के अंदर डेथ होस्ट में गेंदबाजी नहीं आई लेकिन इसके पहले वाली मैच के अंदर यहाँ पर अभिका अरुल डेथ में भी आई थी, तो ध्यान में रखिएगा। बाकी बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेकर जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में यहाँ पर जॉन स्टेफनी एलुमलाई रहेगी हमारी टीम के अंदर, बाकी यहाँ पर लिंसी को आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर सयाली अनिल लोंकर है, सीवी पांडे हैं, सीवी पांडे को आप लोग चाहो तो ड्रॉप कर सकते हैं लेकिन सेफ रहेंगे, लेके जाना है। और जो लोग अदर एप्लीकेशन में खेलते हैं यहाँ पर मैं लिखिता विजी को सजेस्ट कर सकता हूँ, लास्ट मैच के अंदर ओपनिंग किया था, अगली मैच के अंदर भी ओपनिंग में आएंगी या नहीं आएंगी कन्फर्म नहीं है। देखो यहाँ पर निहारिका है वो टॉप में खेल रही है 100%, ये यहाँ पर टॉप में खेलेगी ओपनिंग या वन डाउन खेलेंगी, तो ये आपके लिए सेफ रहेगी। बाकी उमा महेश्वरी को लेना चाहो तो ले सकते हैं क्योंकि ये ओवर्स पूरी करवा रही है, वैसे तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं लेकिन सेकंड लास्ट मैच के अंदर 3 विकेट निकाल लिए थे, आगे भी अगर यहाँ पर एक दो विकेट निकाल लेती है तो हमको वन साइडेड विनिंग करवा सकती है, तो इनके ऊपर रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हैं। बाकी ऑप्शन सारे ओके ओके रहेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर शिल्पा शाहू है, रोहिणी मने हैं, यहाँ पर सोनल पाटिल है, पायल बाल्मीकि है, यहाँ पर कविशा एलाया पेरुमल सी है और यहाँ से धन्या भी तो रिस्की रहेंगी। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर ए रामामूर्ति आर, जी मुरुगेशन और एस बाबूराज भी हमारी टीम के अंदर रहेंगे। अभी जो लोग अदर एप्लीकेशन में खेलेंगे यहाँ पर किसी एक प्लेयर को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आप लोग किन को ड्रॉप करोगे, तो देखो ये पाँचों इंपॉर्टेंस है लेकिन फिर भी हमें किसी एक को तो ड्रॉप करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप लोग कविशा एलाया पेरुमल सी को ड्रॉप करते हुए यहाँ से किनको लेंगे, तो निहारिका या लिखिता विजी दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। बाकी टीम की बात करते हैं तो टीम को जिस तरह से रहेगी कि शिल्पा शाहू कैप्टन है जो कि सेफ है, वाइस कैप्टन यहाँ पर सयाली अनिल लोंकर है। देखो ये सेफ है इसके लिए मैं यहाँ पर रिस्क लेना नहीं चाहता इसके लिए, बाकी मेरा पूरा मन है यहाँ पर सयाली अनिल लोंकर को कैप्टन करने का और पायल बाल्मीकि को वाइस कैप्टन करने का, तो जो लोग रिस्क ही खेलना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी इनके अलावा ऐसे रोहिणी मने और शिल्पा यहाँ पर सोनल पाटिल भी आपके लिए चॉइस बनेगी। बाकी टीम को जिस तरह से रहेगी याद रहेगा, इसमें कुछ बदलाव वगैरह देखने को मिल सकते हैं, तो फाइनल टीम टेलीग्राम में दी जाएगी आपको, तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना,
लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। बाकी मिलते हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।